नमस्कार, ग्राउंड की टीम मौजूद है सफीदों के खानसर चौक पर। जैसा कि आपको पता है, जब से सरकार किसानों के लिए 3 अध्यादेश लेकर आई है, उसी को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से गहमागहमी का माहौल है पूरे देश में, प्रदेश में। और यहाँ देख सकते हैं आप, सफीदों के खानसर चौक पर किसानों द्वारा जो कल एक घोषणा की गई थी कि जो 20 तारीख को है वो यहाँ खानसर चौक पर आकर चक्का जाम करेंगे, और इसी के कड़ी में यहाँ काफ़ी किसान मौजूद हैं सैकड़ों की तादाद में सफीदों के खानसर चौक पर। आप देख सकते हैं यहाँ ये चक्का जाम कराने को लेकर निकले। अभी फिलहाल संख्या इनकी 100 के करीब है और समय लगभग 12:30 बजे का है, और आप यहाँ देख सकते हैं पुलिस भी मौके पर मुस्तैद है। मुस्तैदी से पुलिस अपनी तैयारियों के साथ यहाँ, जैसे कल सूचना आई थी चक्का जाम की, यहाँ पुलिस भी मुस्तैदी से तैयार है। और यहाँ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट रामपाल शर्मा है, जो वो भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी से तैयार है। और यहाँ देख सकते किसानों द्वारा यहाँ दरियाँ लाई गई हैं, दरियाँ बिछा कर जो है चक्का जाम करने की जो बात इन्होंने कल एक घोषणा की थी, उसी के तहत चक्का जाम करने का यहाँ काम किया जा रहा है ताकि सरकारों को जगाया जाए। जो अध्यादेश सरकार लाई है 3, उसके विरुद्ध यहाँ जो है चक्का जाम आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में चक्के जाम के जो घोषणा की थी, उसी के तहत यहाँ देख सकते हैं आप सरकारी अमला भी तैयार है। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट रामपाल शर्मा जो नायब तहसीलदार हैं, SHO सिटी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं इस बारे में लेकर अभी कि सर यहाँ किस तरह की, सर जो जाम यहाँ लगाया जा रहा है उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं। सर यहाँ देख सकते हैं आप, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, वो अभी बात करेंगे उनसे भी, हालांकि वो पुलिस टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं, SHO हैं यहाँ खानसर चौक पर अपनी टीम के साथ पूरी तैयारी। देख सकते हैं बैरिकेटेड किसानों द्वारा लगाए जा रहे हैं और SHO सिटी द्वारा उन्हें समझाया जा रहा है कि ऐसा आप ना करें, बैरिकेडेड ना छेड़ें, क्योंकि वो बैरिकेड जो लगाए हैं CTSHO उनको किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की कोई भी गलत गतिविधि ना करें जो कानून के विरुद्ध हो और जिसे लेकर सरकार को या पुलिस प्रशासन को उनके, क्योंकि आपको पता है कि पिछले पिपली जो कांड हुआ था कुरुक्षेत्र के पिपली में, जब किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, ताकि ऐसी स्थिति ना बने पुलिस द्वारा किसानों को समझाया जा रहा है कि कानून अपने हाथ में ना ले, किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि को अपने हाथों में ना ले जो कानून के विरुद्ध हो, सरकार के विरुद्ध हो। और यहाँ देख सकते हैं CTSHO ने उनको समझाया है और यहाँ अभी बात भी करेंगे उनसे कि उन्होंने आज किस तरह की व्यवस्था की है इस चक्का जाम को लेकर सफीदों के खानसर चौक पर। अभी आप देख सकते हैं किसानों के हाथों में सरकार के खिलाफ काले झंडे इन्होंने उठा रखे किसानों ने, ताकि अध्यादेश वापस ले और किसानों द्वारा जो मांगे रखी गई हैं उन्हें जल्द से जल्द मांगे। और जो तुगलकी फरमान किसानों द्वारा बताया जा रहा है सरकार द्वारा किसानों के, आढ़तियों के, उसे लेकर वापस लिया जाए जल्द से जल्द, ताकि किसान अपनी मांगों को एक बार फिर से यहाँ सरकार के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। काले झंडे आप देख सकते हैं हाथ में और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं किसानों द्वारा, जय जवान जय किसान के नारे लगाए जा रहे हैं। किसान धरना दे दिया गया है खानसर चौक पर सफीदों के। आप देख सकते हैं यहाँ काले झंडे हाथों में हैं और ये किसान हैं बैठे हुए, यहाँ बात भी करेंगे इनसे। गांव निमनाबाद के सरपंच के भाई हैं, उनसे बात करेंगे। ये देख सकते हैं आप, नारेबाजी की जा रही है, किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और किसानों द्वारा यहां जाम लगा दिया गया है सफीदों के खानसर चौक पर। अभी हम आपको ताज़ा स्थिति दिखा रहे हैं सफीदों के खानसर चौक पर। यहां देख सकते हैं आप किसानों द्वारा जो जाम लगाया गया है, चक्का जाम किया गया है, जैसे कि कल प्रशासन को, सरकार को चेतावनी दी गई थी कि कल 20 तारीख को चक्का जाम करेंगे और उसी कड़ी में इन्होंने चक्का जाम कर दिया। आप देख सकते गाड़ी है और यहाँ शायद ग्रंथ साहिब हैं गाड़ी में, जिसे जाने दिया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप सफीदों के खानसर चौक पर जो किसानों द्वारा चक्का जाम की जो स्थिति बनी है उसे लेकर यहाँ किस तरह क्या हालात हैं, बात करेंगे यहाँ युवा किसान, उनसे बात करेंगे किस बात को लेकर आज धरना लगाया गया, जैसे कि बताया, क्या कहना चाहोगे किसान होने के नाते आप? जी देखिए,
सबसे पहली चीज़ तो जो बीजेपी सरकार ने जो तीन जो अंधे जो काले कानून ये किसानों के ऊपर थोपने का काम किया, ये सबसे दुखद घटना है हमारे लिए, क्योंकि सबसे पहले हम एक किसान हैं। किसान इस देश का पालन पोषण करता है, किसान के द्वारा हुआ गेहूं उगाया हुआ उसकी सब रोटियां खाते हैं, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन जो दिन प्रतिदिन जो किसानों के प्रति सरकार का रवैया है, ये बिल्कुल ही हम उसके बिल्कुल विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस कानून को वापस सरकार ले, नहीं तो धरने अपना पूरे इंडिया के लेवल पे हमारे किसानों द्वारा धरने किए जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं किसानों द्वारा जो चक्का जाम किया गया है और सरकार के विरुद्ध जो नारेबाजी की जा रही है, और यहाँ उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो किसानों की जो मांगे हैं सरकार उन्हें जल्द से जल्द पूरा करे। सामने बात करेंगे, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट रामपाल शर्मा खड़े हैं, सिटी एसएचओ भी साथ हैं। बात करते हैं जो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हैं नायब तहसीलदार रामपाल शर्मा जी, उनसे। सर नमस्कार, ग्राउंड मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो ये चक्के जाम की स्थिति बनी है शहर के संसद चौक पर, इस बारे में प्रशासन ने किस तरह के क्या आदेश दिए हैं सरकार ने प्रशासन को, और किस तरह से आज सफ़ेदों प्रशासन ने यहाँ व्यवस्था की है? बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट खानेसर चौक पर मैं तैनात हूं, और यहां पर 35-40 किसान जो है वो धरना प्रदर्शन के लिए अभी यहां गुरुद्वारे के अंदर इकट्ठे हुए थे, और गुरुद्वारा से इकट्ठे होकर बाहर ये हमारे को ज्ञापन देंगे या ये अपना जो स्पीच दे के इनसे बात हुई। अभी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आप अपना करो, कोई आदमी बीमार है, कोई और है, कोई कोरोना है, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे का भी ध्यान रखो आप। तो पुलिस में SHO साहब यहाँ पर तैनात हैं, पुलिस फोर्स पूरी तरह तैनात है, साथ ही प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे, ज्ञापन ले लेंगे, उनका ज्ञापन सरकार के पास भेज देंगे हम, इनकी तो जायज़ मांग। तो यहाँ देखा आपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट रामपाल शर्मा जी ने नहीं बताया कि जिस तरह की भी यहाँ किसानों द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसे लेकर इन्होंने प्रशासन को द्वारा भी समझाया जा रहा है कि किसी तरह की ऐसी कोई गतिविधि ना करें, ताकि जिससे माहौल में तनावपूर्ण माहौल बने। इसी कड़ी में बात करेंगे SHO सिटी देवीलाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जैसा कि चक्का जाम किया गया अभी भी खानसर चौक पर, तो पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह क्या व्यवस्था की गई? ऐसा है, बिल्कुल आप देख रहे हो दोनों तरफ, बिल्कुल किसी प्रकार की पब्लिक को कोई समस्या नहीं है जी। ये अपनी कोई डिमांड रखना चाहते हैं गवर्नमेंट से या प्रशासन से, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की हाथ में लेगा तो एक्शन होगा, नहीं अपनी जो बातें कर रहे हैं ना कोई। सर, क्या सरकार द्वारा किस तरह के आदेश दिए गए पुलिस प्रशासन को इस व्यवस्था को लेकर? यहाँ देख सकते हैं आप, SHO सिटी ने साफ तौर पर कहा है कि किसानों को समझाया गया किसी तरह की ऐसी कोई गतिविधि ना करें जिससे कि माहौल में कोई तनाव वगैरह की स्थिति बने। तो अभी बने रही आपको लगातार, ये हम रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। जो चक्का जाम आज लगाया गया है खानसर चौक पर सफ़ेदों के एक बुजुर्ग किसान हमारे देख सकते हैं, यो भी इस धरना चक्का जाम में और धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ सामने लगभग 200 के करीब जो किसान हैं यहाँ वो मौजूद हैं, और उनके द्वारा जो मोदी मर गया, खट्टर मर गया, दुष्ट मर गया, खट्टर मर गया, मोदी मर गया, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लो जी, यहाँ देखा आपने, मोदी मर गया, खट्टर मर गया, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, और खट्टर सरकार के नारे लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं चक्का जाम। हमारे साथ मौजूद युवा किसान हैं, उनसे बात करेंगे। क्या मांगे हैं, किस बात को लेकर चक्का जाम हुआ है, और क्या आपकी सरकार द्वारा जो तीन अध्यादेश लाई उन पर क्या कहना चाहेंगे? हमारी मेन मांगे तो हैं ये, जो अब अपनी मोदी सरकार किसानों के खिलाफ तीन अध्यादेश लाई है, ये बिल्कुल बिल्कुल ही किसानों के खिलाफ हैं, इनमें किसानों का नुकसान है। तो हम सरकार से यही अपील करते हैं भी इन अध्यादेश को वापस किया जाए। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि हम जो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं भी, अपना जो सरकार ने ये काले कानून लाए हैं ये हमारे किसानों के खिलाफ हैं, और इनको वापस किया जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं सरकार को, विराज में मीडिया के थ्रू खट्टर साहब का बयान सुन रहा था कि किसानों की जो फसल है MSP पर खरीदी जाएगी,
हमारे किसानों की एक ही डिमांड है, जो ये कानून लाया गया उसमें एक लाइन ये भी लिख दें, कानून बना दे, अगर कोई व्यापारी MSP से नीचे खरीदता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। हमें किसानों को कोई तराज नहीं है, लेकिन हमें इनकी नीयत पे शक है। ये बिल्कुल हमें झुठला रहे हैं कि आप MSP पे खरीदेंगे, लेकिन हमें इन पर विश्वास नहीं है कि ये हमारी फसल खरीदेंगे। अगर ये हमारे साथ है, किसानों के हक में है, तो ये MSP के लिए नीचे एक अपना कानून बना दें कि जो भी व्यापारी इससे नीचे खरीदे तो उसके खिलाफ 420 की कार्रवाई होगी, तो हम सरकार के साथ हैं। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।